नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर। जी हां, चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर जब से जीत दर्ज की है तब से कहीं ना कहीं वो हाई कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं और माना ये जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद हरियाणा उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने के बाद अब अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसारने की तैयारी कर रहे हैं। और वहीं देखा जाए तो वो बिहार में भी इस बार अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, लेकिन बिहार में अगर चंद्रशेखर आजाद उतरते हैं तो क्या जनता का जनाधार उनको मिलता हुआ नजर आएगा और वो किसके साथ और किसका सहारा लेते हुए नजर आएंगे। वहीं देखा जाए तो बीते लोकसभा चुनाव में हिना साहब को जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण सपोर्ट करते हुए नजर आए, पप्पू यादव उनके बेहद खास और अच्छे मित्र हैं, ऐसे में अगर बिहार में शिरकत करते हैं चंद्रशेखर आजाद तो क्या पप्पू यादव और हिना साहब उनकी मदद करते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव और का वोट बैंक और हिना साहब का जो वोट बैंक है वो चंद्रशेखर आजाद को मिलता हुआ नजर आएगा। और चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से दूरदर्शी राजनीति करने की कोशिश की है, जिस तरीके से वो पहले से ही बिहार में एक्टिव होते हुए नजर आए, ऐसे में माना जा रहा है कि जो चुनाव होने वाले हैं वो फरवरी तक होने वाले हैं, ऐसे में अगर वहां पर बिहार में कुछ बड़ा खेला होता है तो चंद्रशेखर आजाद इसमें बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वहां पर भी समीकरण चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो उनका बिगड़ता हुआ नजर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिहार में क्या चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे या अकेले ही अपने जो छोटे छोटे सहयोगी दल है उनके साथ ही अपना जीत का परचम लहराते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस बार के नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद ये साबित हो गया कि चंद्रशेखर आजाद समाज के उन तमाम मुद्दों को उठाकर जनता का दिल जानने में और जीतने में कहीं ना कहीं बेहद सातिर माने जाते हैं, माहिर माने जाते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूरा मामला बिहार में चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार में बड़ा समीकरण में बदलाव हो देखने को मिल सकता है। और वहीं देखा जाए तो दिल्ली में भी चंद्रशेखर आजाद रावण की एंट्री होने की पूरी आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो इसका जो प्रभाव है वो आम आदमी पार्टी पर पड़ता हुआ आएगा। वोट बैंक में कटौती देखने को मिल सकती है क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो 22% से ज्यादा दलित आबादी है और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का साथ अगर उनको मिल गया तो कहीं ना कहीं फिर तो अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। और वहीं अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले आरक्षण को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में जो ऐलान किया था जनता उससे भी काफी प्रभावित नजर आ रही है। दिल्ली और बिहार में चंद्रशेखर आजाद अगला अपना निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस के विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की 10 सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं अपना कब्जा चाहते हैं। और अगर दिल्ली और विधानसभा चुनाव बिहार की बात करें तो उसमें भी अगर वो कुछ सीटें निकालते हैं तो जाहिर तौर पर उनका कद और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से छुआछूत आरक्षण, जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए नजर आए थे चंद्रशेखर आजाद, उससे भी ये साबित होता है कि अब कहीं ना कहीं वो राजनीति को करना सीख गए हैं और वो अब धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं। और ये जो जिस तरीके से उनमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, ये बदलाव कहीं ना कहीं मायावती और विपक्षी पार्टियों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार समीकरण किसके पक्ष में जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद रावण बिहार में जीत दर्ज कर पाएंगे पप्पू यादव और हिना साहब के बलबूते या नहीं, आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।